चालतंय. एक काम करूया, तीन वेळा करूया हेच गाण्यावर, म्हणजे जरा कॉन्फिडन्स. तीन वेळा करूया, लक्षात दिसतो का आपण? हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड गुड इवनिंग. अभी शाम का टाइम है, 7:30 बजे है और अभी अभी मैंने माइक्रेम चैनल के लिए एक शूट कंप्लीट किया है और सोचा कि थोड़ा अपडेट दे दूँ आपको, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहे हमारे. उसका रीज़न है कि मैं ऑफिस में बिजी था और ये बेबी ये पीछे बिजी थी, क्योंकि बेबी भी मतलब 4-5 दिन से बहुत परेशान कर रही है. उसे दिन रात रो रही थी. हाँ, तो इसलिए हमने रात भर भी सो नहीं पा रहे थे और दिन भर इसे संभालना तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था और पता नहीं चल रहा था कि उसे क्या हुआ है. वो सर के बल सो ही नहीं रही थी और बार बार वो करवट ले रही थी और जोरों से रो रही थी. तो हमें लगा कि शायद उसका मतलब सर में कुछ लग गया होगा, क्योंकि अभी अभी वो करवट लेने लगी है ना, तो करवट लेते वक्त वो आई थिंक फर्श वगैरह उसे लग गई होगी, ऐसा हमें लग रहा था. उसी वजह से वो करवट नहीं ले पा रही थी ऐसा लगा हमें, मतलब सर के बल सो नहीं पा रही थी. फिर चाची को हमने पूछा तो चाची ने कहा कि शायद उसकी जो गर्दन है उसमें मोच आ गई होगी, तो थोड़ी मसाज पर वो ठीक हो जाएगी ऐसी चाची ने कहा. तो हमें भी लगा कि शायद गर्दन में कुछ मतलब हुआ होगा उसे. क्या ऐसे वक्त पे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, उनको तो सिर्फ रोना आता है और हम न्यू होते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता जल्दी कि उनको हो क्या रहा है, तो उसकी वजह से हम भी टेंस होते हैं. और इसकी वजह से हमने खाना पीना भी नहीं खाया था उस दिन. फिर सोचा कि रात कैसी वैसे हमने निकाल दी, रात भर उसे गोदी में लेके बैठे, लेकिन उसका रोना ख़त्म ही नहीं हो रहा था. सुबह हमें लगा कि सुबह आई थिंक वो ठीक हो जाएगी, तो सुबह भी उठने के बाद उसने वही सब स्टार्ट किया. रोती तो थी लेकिन वो मतलब सोते वक्त तो वो सर के बल नहीं सो पा रही थी, तो इसलिए हमें थोड़ा टेंशन आ गया. तो हमने उसे डॉक्टर के पास हम लेके गए, पीडियाट्रिशियन के पास हमने उसे ले गए थे. तो उन्होंने उसे चेक किया, मतलब उसका सर गर्दन सब चेक किया और डॉक्टर ने कहा कि छोटे बच्चों में मतलब मोच आने वाला ऐसा कुछ प्रकार होता ही नहीं है, मतलब छोटे बच्चे को मोच वगैरह कुछ आती नहीं है. तो डॉक्टर ने कहा कि ये अभी 2.5 मंथ की है, तो 2.5 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ तक ऐसी प्रॉब्लम बच्चों में होती ही है, छोटे बच्चों में, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा उतना हमें समझ में नहीं आया. वो कि कान का कुछ प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि इस मंथ में उनके कान कुछ खुलना स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत मतलब दर्द होता है, तो इसकी वजह से ये रो रही है इतना, ऐसे डॉक्टर ने कहा कि 2.5, 2 मंथ और 3 मंथ के बच्चे ऐसा करते हैं, मतलब रोते हैं और इनको ये प्रॉब्लम उतने मंथ में ये होती ही है, सब बच्चों को होती है ऐसा डॉक्टर ने कहा. और इसे भी वही प्रॉब्लम हो रही थी ऐसा डॉक्टर ने कहा. और उसका जो रोना है उस पर उन्होंने दवाई दी, लिक्विड दवाई होती है ना वैसी बच्चों की, वो दी. दो दवाई उन्होंने लिख के दी और उसका कैल्शियम और एक कुछ हेल्थ ओके नाम से कुछ लिक्विड है वो उन्होंने दिया है. कैल्शियम तो उसका स्टार्ट ही था, तो कैल्शियम बढ़ाने के लिए कहा और हेल्थ ओके भी कंटिन्यू देने के लिए कहा. और जो दो दवाई दी थी वो उसकी पेट की परेशानी और उसका जो रोना था उस पर थी. फिर डॉक्टर की दवाई देने के बाद वो उस दिन, मतलब उस दिन हाँ डॉक्टर ने कहा था कि दो बार उसे देना और
अगर वो रोना उसका कम हो गया तो दिन में एक बार रहना। तो मैंने उसी दिन उसे 2 बार दिया था, जब डॉक्टर के पास से आए आफ्टरनून तब, और रात में एक बार दिया था उसे, और उस पर उसे रिलीफ हो गया। तो मैंने उसके आगे उसे वो दवाई दी नहीं, सिर्फ उसे कैल्शियम और हेल्थ ओके दो ही स्टार्ट है, वो 5 साल तक है देने, मतलब देना चाहिए 5 साल तक। तो वो दवाई उसे स्टार्ट है, और उसे डॉक्टर के पास जाके आने के बाद उसे रिलीफ मिला और अब बेबी ठीक है। तो हम पूरा मतलब उसी में डूब गए थे, तो इसलिए हम व्लॉग शूट नहीं कर पाए। और आज आज डेट है 18 नवंबर, तो आज यहाँ पे पोलियो डे है, मतलब आज के दिन पोलियो का जो ड्रॉप्स होता है वो देते हैं। मुंबई में और इसकी वैक्सीनेशन जो है वो लास्ट वीक हो गई थी, तभी भी उसे पोलियो दिया था। तो आज भी हम उसे फिर से लेके गए थे पोलियो देने के लिए, तो उसे पोलियो दे के लाए हैं आज। और कुछ नहीं, यही सब बताना था आपको। कुछ नहीं, आप कैसे और एक हो? व्लॉग हमने शूट किया है, मतलब ये मारवी के बीमार होने से पहले हमने शूट किया है, लेकिन वो भी मतलब एडिटिंग नहीं कर पाए इसकी वजह से, माओ की वजह से एडिटिंग नहीं कर पाए। तो वो व्लॉग अभी जल्दी आएगा, और माइक्रेम चैनल पर भी आज एक वीडियो आएगा आज, मतलब पता नहीं ये व्लॉग एडिट करके कब डालेंगे, लेकिन संडे माइक्रेम चैनल पर एक वीडियो आने वाला है इवनिंग। और बस इतना ही। अभी मैं वीडियो एडिटिंग ही कर रहा हूँ, सोचा थोड़े अपडेट दे दूँ इसलिए। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं आज इतनी तैयार होके घर पर ही हूँ, लेकिन तैयार होके क्यों बैठी हूँ? तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अभी एक शूट किया है माइक्रेम चैनल के लिए, तो इसलिए आज तैयार मैं होके। इतनी चिकनी दिख रही हूँ हाँ कंपेयर टू विवेक। देखो तुमसे ज्यादा उजाला मेकअप कर दिया मेरे है, चेहरे पर मैं है। विदाउट मेकअप हुआ ये मेकअप के साथ है इसलिए यार अरे यार मेकअप आपको। मेकअप क्या, मैं कुछ नहीं ज्यादा लगाती, कॉम्पैक्ट लगाती हूँ और एक क्रीम लगाती हूँ पॉन्ड्स हाँ की, वो भी और है नाइ और लिपस्टिक काजल, सिर्फ इतना चार ही चीजें मैं यूज करती हूँ। आपके सबका आपको बता देंगे फिर ये। आप ही देख के बताइए, मैं सच में मेकअप नहीं करती, मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है ज्यादा। और मतलब जो डेली की जो चीजें होती है वो भी अभी अभी करने लगी हूँ, क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ माइक्रेम के। तो आप मेरे माइक्रेम के पहले भी वीडियो देख सकते देख हैं, सकते वहां हैं। पे तो मैं विदाउट मेकअप जो घर के कपड़े हैं उसी में आ जाती थी, पता है। मैं ऐसी ही हूँ, मतलब मुझे किसी चीज के लिए तैयार होना पसंद नहीं है, बहुत ही सिंपल रहती हूँ। और अभी अभी थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन मेकअप मतलब मेरे पास चार ही चीजें मैं अप्लाई करती हूँ। पहले तो 3 ही करती थी, क्रीम कॉम्पैक्ट और काजल, अभी एक लिपस्टिक ऐड हो गई है, तो चार ही चीज में यूज करती हूँ और कुछ नहीं। और मैंने कान के जो कुलाब मार्केट से लाए थे वो झुमके पहने हैं। ये जो झुमके है किसी पर भी मैच हो जाते हैं, क्योंकि इसे नीचे जो बीट्स है वो मल्टी कलर है, तो मैं इसे किसी के भी साथ पहन सकती हूँ। और मैंने कुर्ता डाला है आज, इसलिए मैंने ये झुमके पहने हैं। और पर चलो फिर चलते हैं, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, ये भी वीडियो डालना है, तो दो और मैं तीन काम जाती है हूँ अभी कुकिंग करने, कुकिंग करने, ये जाएगी। और मारवी अभी सो रही है। हाँ रो रो के सो गई है वो भी। अभी मैं दो वीडियो एडिट करके एक माइक्रो के चैनल पे डाल रहा हूँ आप और मुझे एक एक। बात बताइए, मेरे हेयर बहुत बढ़ गए, क्या मुझे हेयर कट लेना चाहिए या फिर ऐसे ही ठीक है? प्लीज कमेंट करके बताइए, क्या मुझे हेयर कट लेना चाहिए फिर से? हमें एक कमेंट आया था कि आप अपना हेयर केयर कैसे करते हो, तो उसका वीडियो बनाओ क्या हम। उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, नहीं जो हो मैं करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज इसे जज मत कीजिए, सबका हर एक का अलग अलग तरीका होता है आए मेंटेन रखने का बालों को, तो मेरा भी एक कुछ अलग तरीका है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा तो कोई भी नहीं है बालों का है। मैं तो महीने में एक बार भी तेल नहीं, क्या मुझे याद भी नहीं मैंने कब तेल लगाया लास्ट बार। मैंने बाल वॉश करके अभी 2 दिन हो गए, लेकिन मेरे बाल अभी भी सिल्की है। इसका राज मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं हेयर केयर का वीडियो डालूंगी तब मैं उसमें शेयर करूंगी। लेकिन आप मुझे बताइए जरूर हाँ, कि मुझे हेयर कट लेना चाहिए या नहीं, या ठीक है हेयर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी हेयर बढ़ गए हैं।
तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझे हेयर कट लेना चाहिए या नहीं। ओ तो बस इतना ही इस वीडियो में, जल्दी लौटेंगे नए वीडियो के साथ। तक के लिए बाय, टेक केयर।